नमस्कार, इंसाफ टीवी में आपका स्वागत है। टैगोर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कृष्णा नगर गुरदासपुर में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल के चेयरपर्सन श्रीमती शमा शर्मा पर जी पधारे। इसमें चौथी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह प्रदर्शनी बच्चों ने अलग अलग तरह के विज्ञान से संबंधित मॉडल चार्ट आदि बनाए। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडलों को देखकर उनकी बुद्धि और कौशल के बारे में पता चलता था। इस एग्जीबिशन में बच्चों के अभिभावकों ने भी अपनी शिरकत की। बच्चों ने आए हुए अभिभावकों को अपने अपने मॉडल चार्ट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती अनुराधा बब्बर ने बच्चों को बनाए गए मॉडल चार्ट को देखकर उन्हें शाबाशी दी तथा बाकी विद्यार्थियों को भी इन बच्चों से प्रेरणा लेने की सीख दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए, इससे बच्चों में मानसिक विकास की वृद्धि होती है। अगर आप इस सन में रखते हो और इस मिरर के नीचे आप प्लेट में राइस या कोई भी अच्छी जैसे राजमा हो गए या चने हो गए वो रखते हो पानी में भिगो के और इसे आप सन में रख देते हो और एक दो घंटे में वो पक के तैयार हो जाएंगे। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर ये सबसे आसान तरीका है चावल पकाने का। या कुछ और जैसे आप गैस पर बनाते हो चावल या कोई और सब्जी, वैसे ही इसमें बनते हो। जब आप उसको सन में रखोगे तो जो सन रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाएंगे और उससे वो पक जाएगा। और जो साथी जो ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर इसलिए करती है क्योंकि ब्लैक कलर अब्जॉर्ब कर देता है पर रिलीज नहीं करता हीट। इसलिए जब भी कोई सोलो कुक करता है तो उसको ब्लैक अंदर से ब्लैक कर दिया। मिनी प्रोजेक्ट अगर जैसे हम सुनना होने जाते हैं तो मैं अगर मैं जो प्रोजेक्ट होता हूँ प्रोजेक्ट में तो सकते हैं जहाँ पर जो भी इमेज जो उपयोग हुआ हमें लैंग्वेज वो बड़ी उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ए सी जनरेटर है, सिनेमा है तो या लाइट जलती होने या फिर बल्ब जलता है, इससे कि क्या कहते हैं कि कोई सेंसर नहीं है इसमें, क्या नाम है, करंट रिवर्स हो गई। अच्छा आपने लैंप बनाया इलेक्ट्रिक लैंप, इसमें लाइट आ रही है, गुड। भैया आपने वेस्ट मटेरियल वगैरह ये यूज़ किया है आपके इसके लैंप? What are the parts? Can you explain it? Yes, this is kidney. This is ureter, urinary bladder, ureter, and urinary kidney. What products you have used for making this model? Thermocol charm. Nice. Thank you, ma'am. This is street light. It's reduces. It works. It works. It's made this project. Yes, nice. This is electric fan. So it is creating, generating electricity? Yes, volcano, working of volcano. Yes. Comes lava, comes up. Yes. Model of ATM.
Rotating and it goes up and down. And we when we on second button, it attacks the things around it. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I have prepared this floor cleaner. There is two motors connected in here. The two wires is connected with this switch. When we on the switch, it starts rotating and it can clean the floor easily. And when we switch off the button, it can stop working. Very good, nice. And have you used this CD? Yes, this is a CD. Okay, very, very good. Yes. Nice. This is bank. Copper bank is a useful example of your equipment. Some men have a periscope that prefers but in the soft surface of plastic. Good. So what material you have used for this? The mirror cup pot. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम जब बारिश पड़ती है उसका पानी स्टोर करके हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए. कितनी देर में कमरा ठंडा कर सकता है? अति नाइस. गुड मॉर्निंग मैम. मैंने एक इमेज पे वेक्टर बनाया है. इसमें मैंने एक बेस्ट आउट ऑफ पीस यूज़ किया. मैंने एक पीस बल्ब यूज़ किया, उसका फिलामेंट निकाल के उसमें वाटर फिल किया, जिसकी वजह से कि वो लैंप की तरह काम करेगा. और एक मैंने टॉर्च यूज़ किया पीछे, और एक ट्रांसपेरेंट शीट पे कुछ इमेजेस बना के इसमें लगाई हैं, जिसके कारण कि जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये इमेजेस फॉर्म करता है. ये सनलाइट की वजह से क्लियर नहीं होती. ये शेप्स सब के टेप के आ रहे हैं. गुड. यस यस. वेरी वेरी नाइस. बट यू हैव मेड सोलर कुकर. बोथ ऑफ यू हैव मेड सोलर. टेल मी. Okay, pulses and rice, you can say, you are saying that we can make it. Good afternoon. Windmill. So which class? 10th class. What is your name? My name is Devika. In which class you are in? I did in second class. Second class. What's your name? My name is Garima. Garima. In which class you are in? Second. Second class. So this is from your section class. You have made all these materials with the help of teachers. Okay, very, very good. Nice. बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंशी है. आपने आप क्या प्रोजेक्ट बनाया है और उसका क्या मीनिंग है? सर आई प्रिपेयर्ड दिस फ्लोर क्लीनर एंड इट मींस टू क्लीन एवरीथिंग एंड दिस इज स्पेशली फॉर हाउसवाइफ्स. हाउसवाइफ्स कैन
can work very hard for ourselves. That is why I have prepared this for floor cleaner. बेटा क्या नाम है आपका? अश्विज। आप आज क्या हुआ है स्कूल में? साइंस एग्जीबिशन हुई है। साइंस एग्जीबिशन ली है, उसमें आपने क्या किया है? सर मैंने सोलर कुकर बनाया है। सोलर कुकर बनाया है, सोलर कुकर के बारे में आप खुल के बताइए। अब सर सोलर कुकर सर एक मतलब मोड है कि जैसे कुकिंग का, जैसे हम गैस गैस पे बनाते हैं, गैस वेस्ट होती है और कई लोग जो गैस अफोर्ड नहीं कर पाते वो सोलर कुकर से खाना बना सकते हैं, जैसे राइस हो गए या कोई और सब्जी दाल होगी वो हम सोलर कुकर में बना सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? प्रंजला। आपने आप एग्जीबिशन में साइंस एग्जीबिशन में क्या बना के दिखाया है? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन बनाई है। ये सामान इधर सामान को उठाने में यूज़ होती है। सामान जब हम इस बटन को ऑन करेंगे रोटी मतलब स्टार्ट होगी, रोटेट होगी, अप एंड डाउन होगा और जब हम सेकंड स्विच दबाएंगे ये करंट पास होगा जिससे ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। अब इसके पास कोई भी चीज़ है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो बेटा क्या नाम है आपका? आपका नाम गरिमा। आपने आज क्या बनाया साइंस एग्जीबिशन में? ये है क्या? हाँ जी बेटा क्या बनाया आपने? हाँ जी मैम, आपके आज के फंक्शन के बारे में बताएं, आज क्या फंक्शन हुआ और कौन सी क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? सर आज हमारे यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन था प्लस क्राफ्ट शो लगा हुआ था जिसमें हमारे सारे ही बच्चों ने नर्सरी टू प्लस टू सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें नर्सरी टू सेकेंड क्लास तक का क्राफ्ट का था, जो भी सारे साल में उन्होंने क्राफ्ट वर्क किया है उसको डिस्प्ले किया गया है, और थर्ड ऑनवर्ड्स अप टू टेंथ प्लस टू स्टैंडर्ड बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स और स्टिल मॉडल्स बनाए हैं साइंस के, जो उनको क्लासेस में वर्क करवाया जाता है तो उससे रिलेटेड मॉडल्स थे उनके। और इनका जो एग्जीबिशन आज मैंने देखा है उनको देख के मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि छोटे बच्चों ने भी इतना अच्छा क्राफ्ट वर्क बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल यूज़ करके उन्होंने यह शो किया है, और जो साइंस एग्जीबिशन है उसमें वर्किंग मॉडल बच्चों की क्रिएटिविटी उनकी इनोवेशन देखते हुए बहुत अपने आप में अच्छा फील कर रही हूँ मैं कि दे आर द स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल एंड दे आर शोइंग सच अ क्रिएटिविटी, इतनी इनोवेशन जो उन्हें आइडियाज़ लगाए हैं, रोबोट बनाया है, विंडमिल बनाई है, सोलर कुकर बनाया है, जिसमें वो अपना प्लस सोसाइटी का ध्यान रख रहे हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो विद माई साइंस टीचर, और मैं इसके लिए शुक्रिया करती हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर द टू द टीचर्स जिन्होंने उनको गाइड किया, हमारे स्पेशली साइंस टीचर्स जिन्होंने ये मॉडल बनाने के लिए उनको इंस्पायर किया। इसके साथ पेरेंट्स की भी बहुत हेल्प रहती है हमारे लिए, जो बच्चों को घर में इतना सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स जो इतनी क्रेज दिखाते हैं इस चीज़ में आने के लिए। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल माई टीम।